यहाँ बन रहा है नींबू पानी, बेबी बना रहे हैं नींबू पानी। ओ चीनी हमको लगा नमक है। अभी घड़ी में बज रहे थे 12:30, तो मैंने सोचा ये फंटा जो है खत्म कर दूं और मैं चली आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका दिल से वेलकम हो गया मेरे चैनल #QueenSaree चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रब्बुल इज्जत का एहसान है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस कोलकाता में गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि ना मेरी मम्मी बताती हैं कि मतलब दूसरी जगह यूपी वगैरह में ज़्यादा ऐसी चिपचिपाई वाली गर्मी नहीं पड़ती है, जो पसीने यहाँ इतना पसीना हो रहा है और अंदर से ना अजीब सी मछली उल्टी हर वक्त लगी जा रही है। वहाँ पर भी ऐसी ही गर्मी होती है जो बहुत चिपचिपाट वाली पसीने वाली अजीब सी। तो मेरा खाना तो मतलब चढ़ाने के लिए मतलब मैंने रख दिया, तो मैं उस वक्त तो शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ कैसे मिलूं, तो मुझे अचानक याद आया कि मैं कुछ सामान लेकर आई थी डीगर से, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ डीगर से जो सामान लेकर आई वो शेयर करती हूँ। और बेबी जो है वो नींबू पानी अभी बना रहे हैं, उनको बहुत गर्मी लग रही थी, वो एक्चुअली में फंडा पीते नहीं है, तो यही है। तो चल ये जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी झटपट। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे होंगे तो उन्होंने बहुत देखा होगा कि मैं स्ट्रीट शॉपिंग डीगा में कर रही थी। तो स्ट्रीट शॉपिंग करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप सब जानते। तो मैंने क्या खरीदा है डीगा से वो तो आपके साथ शेयर नहीं किया था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने डीगा से खरीदा है ये पटा बेलन, लेकिन ये साल की लकड़ी का है ना, जो कि यहाँ पर बहुत रेयर मिलता है, मतलब इस साइड हमारे साइड में। तो ये मैंने वहां से खरीदा है, उसने बोला था ये बहुत अच्छा है, एकदम प्योर लकड़ी का है, सिंगल लकड़ी का है। क्या सिंगल लकड़ी का, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है सिंगल लकड़ी क्या है, डबल क्या है, लेकिन हाँ सब बोल रहे थे, इरफान जीजू और सब ये सब बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये परचेस कर लिया। ये मेरे पास था भी नहीं पहले से। और इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हालांकि मुझे कितने लोगों ने ब्लॉग में कहा भी था कि आप जो ब्लैक उसमें बनाती हैं, उसमें नॉनस्टिक बर्तन में बनाती हैं, उसके लिए ये वुडन स्पून जो है वो यूज़ करा करें। तो एक्चुअली वो मेरे पास कहाँ, बहुत सारी चीज़ें ना गड़बड़ हो गई ना, मुझे खुद नहीं समझ में आया कहाँ रखा गया। तो गाइस ये मैं दो लेकर आई, और आपने देखा ना, ये देखिए ये है अगरबत्ती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शीशे के जो चीनी वाले बर्तन होते हैं ना, तो मुझे बहुत मजा आता है, देखिए प्यारा लग रहा है अगरबत्ती। और आप में से कितने लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैंने वास खरीदा था, तो ये कौन सा वास है, ये वो वाला वास है। वास मेरा बहुत फेवरेट है ना, कितना ढेर सारा है ना बेबी मेरे पास घर पे वास। हालांकि जब हम खरीद के लेकर आए थे तो अम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो गई कि तुम फजूल में पैसे खर्चा करती हो। आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी पसंद कैसी है, अच्छी है या बुरी है। ये है पेन, ये मुझे एक बार में अच्छा लगा था, बहुत मुझे पसंद आया था इसीलिए, और जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो अल्लाह ताला मुझे दे देते हैं सीरियसली। ये देखिए कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सहाना बेबी बोलिए, इसमें पिंक कलर का भी था और पिंक के बहुत सारे शेड्स थे, लेकिन ना मुझे पता नहीं, मैं ये चीज मुझे पिंक में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, खिल के नहीं आ रही थी कह सकते, इसलिए मैंने इसको ब्लू में ले लिया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और देखते ही मतलब ऐसा होता है ना, सीरियसली मेरे साथ ऐसा होता है, ये मैं अपनी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि हम किसी भी चीज को दिल से ऐसे मतलब सोचते हैं वो अल्लाह ताला वो मुझे दे देते हैं माशाल्लाह से। तो हम अल्लाह ताला को थैंक यू बोलना चाहते हैं, दिल से थैंक यू बोलते हैं अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। ये कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, अच्छा लग रहा होगा माशाल्लाह से। पर्दा है पर्दा, ये हम लोग अच्छा लग रहा है ना, तो अब इसको लगाएंगे इंशाल्लाह और फिर आपको दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है। जो मेरी शॉपिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आई होप आप लोगों को अच्छा।
अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और एक नए ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।